एन एस क्रिएटिव थिंग्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा चौहान और जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीपर्पज़ पर्ल नेकलेस। जी हाँ, मल्टीपर्पज़ मैंने इसलिए बोला है कि आप इस नेकलेस को आप किड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनको रेडी करना है, उनको कृष्णा जी बनाना है, उनको जिस चीज़ के लिए भी रेडी करना है आप उनको ये माला यूज़ कर सकते हैं उन पर। और जैसे कि मैंने और इसमें फ़ोटोज़ भी डाले हैं कि आप इसको इंडियन ड्रेसेस पे, साड़ीज़ पे, कुर्तीज़ पे भी इसको वेयर कर सकते हैं और इसको आप शेरवानी पर भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो मैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग टू इसकी लेंथ, जो इसकी लेयर की लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने थ्रेड यूज़ किया है वो नायलॉन थ्रेड यूज़ किया है, बट ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, आप कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दो लेयर की माला बनाई है, उसमें से जो आउटर लेयर है वो 7 इंच की है और जो इनर लेयर है वो 5.5 इंच की है। मैंने जो नायलॉन थ्रेड है मैंने ऑलरेडी उसको कट करके ले लिया है। एक जो नायलॉन थ्रेड है मैंने इसको फोल्ड करके मेजर किया, आप ध्यान दीजिए मैंने उसको फोल्ड करके 5.5 इंच लिया है। आपको ऐसे सिंगल लाइन में मेजर नहीं करना है। अगर आपको सिंगल लाइन में मेजर करना है तो आपको उसको एक जो इनर लेयर है वो 11 इंच की लेनी है और जो आउटर लेयर है वो आपको सिंगल लेयर में बोलूँ बार बार मेंशन करो, सिंगल लेयर की जो लेंथ है वो है 14 इंच और अगर उसको आप थ्रेड को फोल्ड करके लेते हैं तो वो है 7 इंच। चलिए अब हम पहला लेयर बनाते हैं। मैंने पहला जो लेयर है यानी कि 5.5 इंच की जो लेयर मैंने बताई थी आपको वो लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ से एक सिंपल नॉट देना है, उसको थोड़ा सा टाइट कर देना है। सिंपल एक नॉट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो थ्रेड है नायलॉन वो काफ़ी मोटा है, तो आप एक थ्रेड उस थ्रेड को अगर एक नॉट भी दे देंगे तो भी उसमें से बीट्स बाहर नहीं आएंगे। तो हमने एक तरफ से तो नॉट दे दिया, अब दूसरी तरफ से हमें स्टार्ट करना है बीट्स को डालने। तो आपको इस जो पहली लेयर है मैं पहले क्लियर कर देती हूँ आपको क्या प्रोसेस है इसकी जो लेयर बनाने की। जो पहला है हमें जो स्टार्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट और एक एंड पॉइंट हमें सेम बनाना है। तो ये मैंने स्टार्ट पॉइंट बनाना मैं आपको पहले बता रही हूँ। पहले आपको क्या करना है, एक मैंने मेटल की, जो मेटल नहीं है आपके पास प्लास्टिक बॉल्स है चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेटल ही बॉल्स चाहिए। तो मैंने जो छोटी साइज़ की जो मैंने मेटल बॉल्स डाल दी है, उसके बाद जो मैंने पर्ल कैप है उसको डाला है, अगेन मैंने एक पर्ल डाला है, देन अगेन एक कैप एंड एक मेटल बॉल। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बन जाएगा, वैसे ही आपको सेम मिडल पॉइंट और एंड पॉइंट बनाना है। अब तीनों पॉइंट्स के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक जो प्लेन जो मीडियम साइज़ की जो मैंने पर्ल ली है वही आपको डालना है। ये देखिए हमारा जो एक स्टार्ट पॉइंट, जैसा कि मैं बोल रही थी आपको तीन पॉइंट चाहिए, जिसमें से एक स्टार्ट पॉइंट है मैंने आपको बनाना बता दिया है। फ्रेंड्स मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे कि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको समझने में भी आसानी हो। आपको बीच बीच में आपको चेक करते रहना है क्योंकि हमें मिडल पॉइंट चाहिए, तो आपको बस चेक करते रहना है मिडल जो दोनों एंड्स हैं थ्रेड के जो एंड्स हैं उसको जॉइन करके आपको चेक करना है कि उसका मिडल पॉइंट हमें मिला कि नहीं। आपको बस जहां मिडल पॉइंट मिल जाए बस आपको जैसे मैंने स्टार्ट पॉइंट बनाना बताया है, मेटल कैप, पर्ल कैप एंड मेटल, बस वैसे ही आपको मिडल पॉइंट बनाना है। फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ और बता दूँ, मैंने जो फर्स्ट लेयर है उसमें सब जो पर्ल है वो साइज़ सब मैंने सेम यूज़ किया है, लेकिन जो सेकंड लेयर है उसमें मैंने जो पर्ल की साइज़ है जो मिडल में वो मैंने बड़ी वाली पर्ल यूज़ की है। बस दोनों लेयर में इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों लेयर आपको सेम ही बनाना है। ये देखिए मैंने
दोनों साइड से पर्ल को डाल दिया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो पर्ल ज़्यादा डाल दी है। वो मैंने जानबूझकर डाली है कि आपको ये पता चले कि आपको लेयर कैसे पता करना है। ये देखिए दोनों जब एंड को हमने साथ में रखा, तुरंत हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ पर्ल ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो आपको बस उतना निकाल देना है, अगर कम है तो आपको और पर्ल्स डालने हैं। बस आप हमें एंड पॉइंट बनाना है, जैसे ही हमने स्टार्ट और मिडिल बनाया वैसे ही सेम हमें एंड पॉइंट बनाना है। ये देखिए हमारे तीनों पॉइंट्स बन गए हैं, मिडल में हमने प्लेन पर्ल भी डाल दिया है। ये देखिए अभी से एक ही लेयर बनी है पर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपने एक साइड से तो नॉट डाला था, बट आपको दूसरे साइड से आपको भी नॉट डालना है। बट यहाँ पर नायलॉन थ्रेड है, क्योंकि मैंने नायलॉन थ्रेड बहुत स्टिफ होता है तो नॉटिंग थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था। बट आप क्या करेंगे ऐसे टाइम पर, उसको बस हल्का सा ऊपर से फोल्ड करके और ट्विस्ट कर देंगे, उससे क्या होगा उससे भी पर्ल जो है जो बीट्स है वो बाहर नहीं आएंगे। ऐसे ही हमने पहली जो लेयर इनर लेयर है 5.5 इंच वाली वो हमने तैयार कर ली है। वैसे ही आपको सेम दूसरी लेयर भी बनानी है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया जो स्टार्टिंग मिडल और एंड पॉइंट है वो सेम रहेंगे, बट जो सेकंड लेयर है उसमें जो मिडल पॉइंट है उसका जो पल है वो बड़ी साइज़ वाली हमने ली है। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर एकदम सेम है। ये देखिए हमने दोनों लेयर बनाकर तैयार कर ली है, दोनों ही देखिए सेम हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, आप देख सकते हैं मिडल जो सेकंड लेयर की मिडल है वो उसका पर्ल है बड़ा। अब हमें क्या करना है, जो ये फ्लैट क्रिम्प जो एंड हमें जो है बनाना है दोनों नेकलेस पे लगाना है दोनों लेयर को जॉइन करने के लिए, तो हमें कैसे लगाना है मैंने इसमें दो तरीके से आपको बताया है जो एंड्स को लगाना है दोनों नेकलेस को जॉइन करने के लिए। तो मैंने क्या किया है, दोनों लेयर को पकड़ के एक साथ पकड़कर दोनों लेयर को और वो जो एंड्स है उसको उस पर रख के और आपको पुश कर देना और कुछ नहीं करना है। एक तरीका तो ये हो गया, और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या करना है, आपको दोनों लेयर्स को एक एक बारी बारी करके आपको अंदर एंड्स में डालकर आपको पुश करना है। देखिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इसको पुश कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको अपने फिंगर से फील करना है कि कहीं एक्स्ट्रा नायलॉन थ्रेड बाहर तो नहीं है। अगर बाहर है तो उसको कट कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसको किड्स के लिए या फिर खुद के लिए यूज़ करेंगे तो जब आप उसको पहनेंगे तो अगर थ्रेड्स बाहर रहेंगे तो वो इरिटेट होगा, वो चुभेगा स्किन को, तो आपको वो चीज़ का ध्यान देना है। फिनिशिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बस अपने उंगलियों से उसको फील करना है कि अगर चुभ रहा है तो आप उसके एक्स्ट्रा थ्रेड को आपको कट कर देना है बस। चलिए अब दूसरा एंड हम लोग बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला पहले कि दूसरे एंड में क्या करना है, हमें पहले एक इनर लेयर को एंड्स में डालना है और उस साइड जिस साइड हम लोग इनर लेयर को डालेंगे उसी तरफ से आपको पुश करना है, उसके अपोजिट साइड से पुश नहीं करना है। और वैसे ही सेम आपको दूसरे साइड से भी पुश करना है। फ्रेंड्स आपको जो भी दोनों जो एंड्स मैंने ज्वाइन किए जैन जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है इजी लगता है आप वो तरीके से आप दोनों एंड्स को आप क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर आप एंड्स में लेयर डाल रहे हैं तो फिर आपको अगर आपको लगता है कि एंड अंदर नहीं जा रहा है तो आपको जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो कट करके फिर अंदर डालेंगे। नॉटिंग डालना इसलिए ज़रूरी था कि आप जब एंड्स के अंदर जब लेयर को डालेंगे उस नायलॉन थ्रेड को डालेंगे तो वो ब्लॉक हो जाता है उसको पुश करने के बाद, इसलिए नॉटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए दोनों लेयर ज्वाइन कर दिया है एंड के साथ। यहाँ पर मैंने सिल्क थ्रेड लिया है जो कि जो हमारा एंड है उसमें ऑलरेडी बना हुआ है होल, तो हमें बस उस थ्रेड को होल में डालना है। आपको होल में डालने के बाद एक
एक नॉटिंग नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट दो या तीन नॉटिंग करना है, तीन से ज़्यादा ना करें, क्या हो जाएगा वो बहुत ही बल्की दिखने लगेगा या बड़ा दिखने लगेगा, तो वो ख़राब दिखेगा नेकलेस आपका, तो आपको दो या तीन से ज़्यादा नॉट नहीं डालना है। देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर दिया है, क्योंकि ये सिल्क थ्रेड है तो इसके जो एजेस है वो तुरंत ही ओपन होने लगते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस लाइटर है या फिर आपके पास कैंडल है या फिर मैच बॉक्स है, उससे आपको वो जो एंड है उसको आपको थोड़ा सा जला देना है और उंगलियों से बस प्रेस करना है, जिससे कि क्या होगा उसका जो एज है वो चिपक जाएगा एक दूसरे में। उसी तरह मैंने दूसरा एंड भी थ्रेड से बांध लिया है और ये देखिए आपका नेकलेस अब हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, जो थ्रेड हमने सिल्क थ्रेड हमने नेकलेस को बांधा है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका सेंटर पॉइंट लेके एंड पॉइंट में आपको एक सिल्क टैसल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप मार्केट में तो डोरी में ऑलरेडी लगा हुआ रेडीमेड मिल जाता है मोती वाला टैसल, लेकिन आप डिपेंड करता है, ये मेरे पास इजीली घर में अवेलेबल था, मैंने परचेस नहीं किया है थ्रेड भी और टैसल भी, तो मैं आपको कैसे लगाना है वो बता दिया है। इसमें भी आपको एक नॉटिंग या एक गाठन नहीं मारना है, आपको दो या तीन मार देनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अभी हमने टैसल भी लगा लिया है, अब हमें नेकलेस को ब्लॉक करने के लिए हमें बनाना है, तो मैंने सेम कलर का ही थ्रेड यूज़ किया है, सेम थ्रेड सिल्क थ्रेड। अब हम इसे सर्कुलर हमें रोल करना है थ्रेड में, जिससे कि और उसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको और ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है, इतना रखना है कि आपको ऐसा फील हो कि हाँ ये मूव हो जा रहा है यहाँ से वहाँ, ये देखिए ऐसे, बस आपको कुछ नहीं, आपको लगे कि अब ये कंप्लीट हो गया तो आपको कट कर देना है। मेरे पास एक फैब्रिक ग्लू था और एक ये ज्वेलरी ग्लू था जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको उसी से आपके पास जो भी हो चिपका के उसे थोड़ा सा सूखने दें, सूखने के बाद आप उसे चेक करें, यहाँ से वहाँ मूव करके देखें वो परफेक्ट ब्लॉक हुआ है कि नहीं। ये देखिए ऐसे करना है और आपको इसको आगे पीछे करके चेक करना है कि ये जितना हमें टाइट चाहिए उतना ये बना है कि नहीं। ये देखिए मैं नेकलेस को थोड़ा पुल करके भी दिखा रही हूँ, ये ब्लॉक हो रहा है प्रॉपर, ये परफेक्ट बना है। ये देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो शॉर्ट नेकलेस है वो एकदम रेडी है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स मैं अगेन बोल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से इसकी लेंथ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आपको नहीं पसंद आया, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज़ पूजा चौहान, कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़, बाय बाय, टेक केयर।